नमस्कार टू ऑल, स्वागत है आप सबका ट्रांस ब्रह्मा चैनल पर, जहां हम चर्चा करते हैं जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड अफेयर्स एंड हाउ दे इम्पैक्ट इंडिया। वी एनालाइज इट विद डीप हिस्टोरिकल इंसाइट्स एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। वी मेक द मोस्ट कॉम्प्लेक्स हेडलाइंस सिंप्लीफाइड जस्ट फॉर यू। आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर अंकित शाह, हु इज एन एक्सपर्ट एंड अ जियोपॉलिटिक्स एंड अ प्रोडिजी ऑब्जर्वर। ही प्रेडिक्टेड डोकलम, यूक्रेन क्राइसिस, एलएसी स्टैंड ऑफ एंड हिज बुक जियोपॉलिटिक्स डिकोडिंग इंटेंस नैरेटिव्स लाइज एंड फ्यूचर इज अ मास्टरपीस विद मेनी सच शॉकिंग रिवेलेशन। फॉर सम द अदानी रो इज सीन एज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। A lot has been happening from Hindenburg report, Adani's response to Hindenburg report, Adani calling of FPO. But there is a lot happening behind the scenes as well. To reveal more on it, we begin our conversation with Dr. Ankit Shah. Welcome, sir. Thank So, you. what is your basic understanding about the Adani row, the Adani Hindenburg row, and how do you see it? Okay. So we see there are several aspects in this Adani Hindenburg row, one of which is very important about the role of Credit Suisse, which many of the experts have, understated or not, deliberated about. So first thing we need to understand that there are lot many of financial institutions in the world which are very powerful, and they decide some of the geopolitical moves, and that is how they do the maneuvering into the geopolitics. So these big companies, they look at countries as like their portfolios for profits, and they are used as tools for geopolitical moves. तो क्रेडिट स्विस में जब 23 जनवरी को कतर ने स्टेक लिया, उसी दिन वी शुड हैव बीन अलर्ट के कुछ होने वाला है, बिकॉज कतर एज अ कंट्री हैज ऑलवेज मेंटेन्ड एन एंटी इंडिया स्टैंड। तो उस स्टेक का जो मिसयूज होना था वो बहुत ही पाल्पेबल था। अब हमें ये देखना है कि एफपीओ से पहले क्रेडिट स्विस गिव अ पॉजिटिव रिपोर्ट अबाउट अदानी, एंड इमीडिएटली ऑन द डे ऑफ एफपीओ वो चले गए और अदानी बॉन्ड को जीरो रेटिंग दे दिया, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग हुई और सेंटिमेंट्स खराब हुए हैं। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे ये है कि कुछ हमारे भी इंटरनल एलिमेंट्स हैं जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी के अगेंस्ट हैं, जो इनके साथ नेक्सस में वर्क करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे टीएमसी के एक लीडर हैं महुआ मोइत्रा जी, उनकी जो अदानी के खिलाफ जो ट्वीट्स हैं 2 साल पहले से शुरू थी, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी बोलता है कि वी ऑल्सो स्टार्टेड द रिसर्च 2 ईयर्स बैक। तो आप देखते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंस में ये सब चलता है। ठीक है, तो पूरा अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम जितना भी एलिगेशंस लगा है इज बेस्ड ऑन व्हाट अदानी हैज ऑलरेडी गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, एफपीओ प्रोस्पेक्टस एंड ऑल्सो एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो दे हैव ब्रॉट समथिंग न्यू। ठीक है, तो बहुत ही जुवेनाइल सा रिपोर्ट बनाया, और ये जो फर्म है हिंडनबर्ग बहुत ही बदमाश फर्म है, शॉर्ट सेलिंग के लिए माना जाता है ये पहले ही स्टैंड ले लेता है स्टॉक मार्केट्स में, फिर रिपोर्ट इश्यू करता है, और उसके बाद जो पैनिक सेलिंग होता है उस पर से वो प्रॉफिट बनाता है। तो ये तो इट्स अ पब्लिक इंफॉर्मेशन कि ये इस तरह से ऑपरेट करता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड के वाई अदानी वॉज चोजन एज अ टारगेट। सो वन ऑफ द रीजन फॉर इट इज हिज पोर्ट्स बिजनेस, राइट? तो अदानी जी रिसेंटली पोर्ट्स बिजनेस में आए, ठीक है, एंड पोर्ट्स बिजनेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So tell us something, why the ports are important for a country. या Whatever little I have understood is that he has been investing a lot in the ports which are in the Indian Ocean, which shows the dominance of India. So how do you see this thing? या सो व्हेन यू लुक एट हाउ कोलोनियल पावर्स केम टू इंडिया, देन यू विल कम टू नो कि ब्रिटिश थे, पोर्चुगीज थे, डच थे, ये सारे जब इंडिया को सीक करने आए दे केम थ्रू द पोर्ट्स। दे टुक ओवर राइट द कंट्रोल ऑफ द एंट्री एंड द एग्जिट पॉइंट्स ऑफ द वाटर्स ऑफ दिस टू कंट्री, इंडिया एंड चाइना, एंड दे स्लोली सबड्यूड इंडिया एंड चाइना। दे गॉट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम हियर, सोर्स्ड इट बैक ओवर देयर, वहां की इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्रीज में 1000 टाइम्स प्रोड्यूस करा मोर
they started selling, and that is how India and China became poor. I mean, from more than 50% of world GDP together, we came down to less than 5%. तो वी अंडरस्टैंड दैट इंडियन ओशन इज द पिवट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स. तो जिसका कंट्रोल इंडियन ओशन पे होगा दैट इज गोइंग टू हैव यू नो अ मैक्सिमम जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस फैक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने एक पोर्ट चाबहार प्रोजेक्ट ईरान में करा है, उसके बाद आप देखेंगे कोलंबो पोर्ट टर्मिनल जो अदानी जी का है, फिर अदानी जी ने हाइफा में इसराइल में पोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है. इजिप्शियन प्रेसिडेंट जब आए थे रिपब्लिक डे के लिए तो वहां भी स्यूज कैनाल के पास आपको एक इकोनॉमिक जोन मिलने वाला है इंडिया को. फिर बांग्लादेश में सेपा अग्रीमेंट साइन हुई है जिसमें भी मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, और कलादान प्रोजेक्ट और सीतवे का पोर्ट जो म्यांमार में रेडी हो चुका है. तो आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस पोर्ट प्रोजेक्ट्स यू कैन नॉट यू हैव दिस यू नो अ बेनिफिट एंड एडवांटेज सिंस यू डू नॉट हैव अ ब्लू वाटर नेवी. तो ब्लू वाटर नेवी के गैप को कवर करने के लिए ग्रीन पेपर इकोनॉमी का यूज होता है विद द पोर्ट प्रोजेक्ट्स, जिससे पोर्ट से सी लेन से आपके अपने जो ट्रेड होता है उसकी सिक्योरिटी मेंटेन हो पाती है, विच इज एग्जैक्टली वाई अदानी इज टारगेटेड. जैसे ही उन्होंने पोर्ट प्रोजेक्ट्स में आना शुरू करा, जो हमारे वर्ल्ड के पावर्स हैं वो थोड़ा अनईजी महसूस करने लगे कि इंडिया इज ऑल्सो नाउ फ्लेक्सिंग इट्स मसल्स. सो अदानी वॉज स्पेसिफिकली सिलेक्टेड फॉर एज अ टारगेट बिकॉज ऑफ दैट. बट वन ऑफ द गुड थिंग ओवर हियर दैट वी गॉट टू सी इन दिस एफपीओ थिंग इज कि हमारे सनातन फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स तुरंत एक्टिवेट हो गई, और जितने भी गुजराती और राजस्थानी बिजनेसमैन फैमिलीज थी उन्होंने एक साथ मिलके एफपीओ को ओवर सब्सक्राइब करवाया, इंक्लूडिंग यूए रॉयल्स फैमिली. तो ये एक अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिला कि एक फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स पूरा एक्टिवेट हो गया काउंटर करने के लिए. एग्जैक्टली, वेरी राइट सर. एंड लाइक वी सी कि एफपीओ वाज ओवर सब्सक्राइब, लेकिन उसके बाद यू नो एफपीओ वाज कॉल्ड ऑफ. व्हाट कुड बी द रीजन, और या क्या पहले से पता था ये सब होने वाला है? लाइक आफ्टर द बजट द आई थिंक मार्केट भी बहुत इट वाज मतलब मार्केट वाज अप, एंड देन बाय इवनिंग लाइक इट गॉट क्रैश्ड टू सम परसेंटेज. सो कैन यू हाईलाइट समथिंग अबाउट इट? सो वी हैव सच कार्टल्स जो ये बदमाशी करते हैं, और यू नो किसी भी एफपीओ या आईपीओ जब आता है तो कंपनीज को एटलीस्ट 48 आवर्स तक तो अलर्ट रहना चाहिए कि ऐसी बदमाशी कार्टल शॉर्ट सेलिंग की हो सकती है जिसमें उनके पास शेयर्स है ही नहीं एंड स्टिल दे आर सेलिंग ट्राइंग टू क्रिएट अ पैनिक इन द मार्केट. ठीक है, इसके कॉन्ग्रुएंस में क्रेडिट स्विस ने भी जो नेगेटिव रेटिंग दी, ये दोनों का इफेक्ट आया. बट वन ऑफ द गुड मूव्स वॉज कि एफपीओ को विड्रॉ किया गया, और एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो अभी खबरें आ रही हैं, आई थिंक अदानी इज इन द डिस्कशन ऑफ प्री पेइंग द नेक्स्ट इश्यू दैट इज गोइंग टू ट्राई टू मेक. तो वो दिखाता है कि उनके पास रिजर्व्स है ऑलरेडी, इट्स अ स्ट्रांग कंपनी, द फंडामेंटल्स आर गुड, द बिजनेस सेगमेंट्स दैट ही हैज इज स्ट्रांग. ये कोई ऐप वाली कंपनी नहीं है जिसके फिजिकल एसेट्स नहीं है. ठीक है, तो इनके जितने भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं रियली डज मेक सेंस एंड इज गोइंग टू जूम बैक अगेन. ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस So बिल्डिंग coming मेजर to दैट ही the हैज टेकन. short, yes. So like you talked about short selling. So are there any instances of short selling in the past? अच्छा, पास्ट में अगर ऐसा कोई इंस्टेंस हुआ है कि है क्या, तो हमारे जो धीरूभाई अंबानी थे रिलायंस के साथ ये हुआ है. दे केम अप विथ एन आईपीओ और कोलकाता कार्टल ने शॉर्ट सेलिंग करा, बट धीरूभाई अंबानी वॉज सो एक्टिव दैट डेज कि उन्होंने वेस्ट एशिया में एक ऑपोजिट कार्टल उसी दिन खड़ा कर दिया एंड दे परचेस्ड मोर देन दी ऑपोजिट फैक्शन विच सोल्ड. ठीक है, तो जो रिलायंस के प्राइस थे वो ज्यादा ऊपर चले गए इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन, और फिर उस वक्त जो सेटलमेंट की हमारी मेथड थी उस हिसाब से एक्चुअली द कोलकाता कार्टल गॉट पनिश्ड क्योंकि उनको हायर प्राइसेस पे फिर परचेज करना पड़ा. एंड दिस इज हाउ धीरूभाई अंबानी यू नो एक्चुअली कन्वर्टेड अ कैलामिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी, और उनको एक्चुअली में पनिशमेंट मिला जो 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 जिसने ये शॉर्ट सेलिंग की बदमाशी करी थी. ठीक है, तो एक इंस्टेंस ऐसा पॉजिटिव वाला है पास्ट में जिसमें शॉर्ट सेलिंग को पनिश किया गया था. ओके, तो आप कैसे देखते हैं अभी अदानी को? जैसे लाइक इट इज हाउ व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अदानी? लाइक विल इट लाइक इज इट अ कमबैक और अ कोलैप्स? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज कमबैक व्हेन इट हैपेंस. एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो हम देख रहे हैं कि वो खुद आके उन्होंने एड्रेस किया मीडिया को एंड पब्लिक को,
शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स को, एंड आई विल सी दैट नो मूविंग फॉरवर्ड बाकी सारी इंडियन कंपनीज भी अलर्ट हो गई होगी कि इस तरह से इंटरनल एलिमेंट्स मिलके आपको बाहर से साबोटाज किया जा सकता है. सो आई बिलीव यू नो गोइंग फॉरवर्ड ये सारी कंपनीज भी अब समझ गई होगी एंड दे विल बी ट्राइंग टू प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ काउंटरिंग स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑल द बिग कंपनीज, बिकॉज ये तो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबिलिटी हो गई कि बाहर से एक रिपोर्ट आके कंट्री की फाइनेंशियल सिस्टम्स पे क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे साबोटाज करके चले जाएं. सो आई बिलीव दैट द कंपनीज विल बी नाउ प्रोएक्टिव इन देयर पीआर एफर्ट्स एज वेल. जब भी एजीएम्स होती हैं या बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, आई थिंक दिस कंपनीज विल हैव टू कम फॉरवर्ड विद यू नो व्हाट आर देयर पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लोज ओवर द इयर्स, उनकी बिजनेस सेगमेंट्स क्यों स्ट्रांग है, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. आई थिंक थोड़ा पीआर भी बेटर करेगी, क्योंकि अब इंडिया ग्रो हो रहा है एज एन इकोनॉमी, तो ये थोड़ा लर्निंग कर्व है कि बाहर के वर्ल्ड पावर्स आपको इस तरह से प्रिक करेंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. राइट. सो जैसे हिडनबर्ग रिपोर्ट वॉज मेड बाय फ्यू एक्सपर्ट्स, राइट. सो डू यू थिंक वी द सनातनी, द सीएज, कैन कम अप विथ सच रिपोर्ट ऑन एनी ऑफ द कंपनीज ऑफ यूएस और यूके? सो डू यू थिंक वी शुड ऑल्सो कम अप विथ सच रिपोर्ट्स? इंडिया शुड बी प्रोएक्टिव टू एड्रेसिंग द, या प्लीज. So we see a lot of deep state tools from foreign countries working on this kind of sabotage activities. So as we grow as a global power, we will also have to develop this kind of tools कि अगर कोई narrative set हो रहा है which is anti-India और anti-growth story, तो जो हमारे पब्लिक को सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है और इस तरह फाइनेंशियल सिस्टम्स पे पूरे क्वेश्चन लगा सकता है उसकी सैंक्टिटी पे, तो हमें भी कुछ अपने एसेट्स डेवलप करने पड़ेंगे स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज, जो वहां पे रिसर्च करे और वहीं पे उनको काउंटर कर डाले रादर देन दे हैविंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज ओवर अस एंड ट्राई टू सबोटेज अस. और हिंडनबर्ग खुद को बहुत सारे लिटिगेशंस चल रहे हैं, द काइंड ऑफ शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटीज दे आर इन्वॉल्व इन, राइट. और ये तो सारा रिपोर्ट्स में था, डिस्क्लोजर्स जो उन्होंने यूज करा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था विच वॉज सो एडवर्स के इतना इम्पैक्ट आए. बट कुछ हमारे इंटरनल एलिमेंट्स, जैसे मैंने बोला अपोजिशन पार्टीज वाले, महुआ मित्रा है या चिदम्बरम हो गए, ठीक है, इनके कुछ सम ऑफ दीज एक्टिविटीज वर इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, और वायर हो गया, ये सब पूरा इंफॉर्मेशन आया है कि दिस ऑल दिस पीपल वर लिंक्ड, तो वी हैव टू ऑल्सो क्लैम्प डाउन ऑन सम ऑफ आवर एंटी इंडिया फोर्सेज ओवर हियर इन इंडिया. करेक्ट करेक्ट. सो व्हाट, हाउ डू यू सी इट? व्हाट आर योर क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन दिस इशू? आई सी दैट व्हेन अदानी विल कम बैक द इंडियन कॉर्पोरेट एंड द स्टेट द ग्रोथ स्टोरी इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. बिल्कुल समझ में आता है कि जैसे कतर में ओलंपिक्स था तो कतर को बहुत साइकोलॉजिकली टारगेट किया गया है इस तरह, बिल्कुल वैसे हमारे इस साल हम G20 होस्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियस बनता है इंडिया को टारगेट करना. बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लर्निंग कर्व एंड व्हेन वी कम बैक इट्स गोइंग टू बी डबल द फोर्स, सो आई एम ऑल पॉजिटिव अबाउट इट. Correct. So if it is a comeback, it is going to be a double force. Thank you so much for the closing remarks, sir. थैंक्स. And we look forward to understanding many such issues in the future in the further videos. And thank you so much for your deep insights Thank you. for this video and also for the further videos which you'll give. So thank you for being with us. Thank you, viewers, for staying with us. Stay tuned for more such videos. Dhanyavaad.